हेलो नमस्ते, राम राम दोस्तों। आप देख रहे हैं बॉन पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। आज मैं और अक्षय जा रहे हैं जंगल शहर पे, और वहां पे हमारे पुराने घर भी हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। काफ़ी ऊपर हैं वो, तो चलिए चलते हैं। और मौसम आज भी बिल्कुल बना हुआ है, चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा है। दो तीन दिन से मौसम ऐसा है लेकिन बारिश नहीं आ रही। ये जंगली मुर्गा और उसके पंख छूटे हैं, तो शायद से उसे श्याल कुर्सी लो कुछ ने कुछ खाया होगा। ये देखिए दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं जंगल में, और ये हमारा पुराना प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे हम खेला करते थे बचपन में, तो अब यहाँ बहुत घास हो चुकी है। तो गाइस, जब यहाँ पे हम छोटी उम्र के थे तो यहाँ पे आते थे क्योंकि गांव के पास था। और आज हमारे मैदान के हाल देखिए, मनरेगा के तहत इस पर खंतियाँ कर दी गई हैं पूरे फील्ड में। और घास देखिए आप, ये छोटी छोटी खाल का निर्माण हो रखा है, तो इनसे नीचे जो हमारा जल स्रोत है वो रिचार्ज होते हैं। बरसात का पानी इनमें रुकेगा और उसके बाद हमारा जो नीचे स्रोत है वो रिचार्ज हो जाएगा। सामने रहा हमारा कुलदेवी का मंदिर, ये देखिए। अभी हम जिस जगह पे हैं, इस जगह का नाम है कूड़ी धार, और कूड़ी गढ़वाली भाषा में मकान को या घर को कहा जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे मकान बने हुए हैं, इसका नाम है कूड़ी धार, कूड़ी। तो ये सारे अब टूट चुके हैं, ये देखिए। तो बहुत सारे मतलब मकान और छनी होती है जहाँ हमारे पशु होते हैं, गौशाला उनके लिए बनी हुई थी, देखिए सारे। ये देखिए, ये हमारे पुराने घर और पुरानी गौशालाएँ थी। तो बेसिकली पहले टाइम में क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा पशु होते थे हमारे, गाय भैंस बकरियाँ, तो क्या करते थे, वो नीचे गाँव से ऊपर आ जाते थे और कुछ दिन तक यहीं रुकते थे। मतलब ये पूरा एरिया जब हमारी बकरियाँ और बैल चढ़ जाते थे, उसके बाद वो फिर दूसरी जगह में जाते होंगे। तो वो क्या करते थे, मतलब हमारे दादा और पापा लोग, उन्होंने अपने पशुओं के लिए गौशाला तो बनाई हुई थी, साथ में अपने रहने के लिए भी मकान बनाए थे। तो ये देखिए, इनकी चिनाई देखिए आप, ट्रेडिशनल पहाड़ी गढ़वाली चिनाई जैसे होती है, मिट्टी और पत्थर की, बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। तो ये जरा जरा करके टूटने लगे हैं, और ये हमारी पुरानी विरासत और पुरानी धरोहर है। ये देखिए, बिल्कुल अंदर झाड़ियाँ हो गई हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे गांव से ऊपर आते थे और कुछ टाइम तक यहीं रहते थे अपने पशुओं के साथ, पापा लोग हमारे। तो ये देखिए, ये पुराने घर हैं हमारे, तो जो बिल्कुल अब विलुप्त हो गए हैं, टूट से गए हैं, और चारों तरफ बस झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं। ये मकान देखिए आप, तो कम्प्लीटली मतलब ये अब हो चुके हैं ख़राब और टूट चुके हैं। तो एक बार यहाँ से देखिए गाइस आप, ये रहे मकान, और सारे मकानों में देखिए झाड़ियाँ हो गई हैं और लगभग सारे मकान टूट गए हैं, ये देखिए। और यही रास्ता जाता है हमारा जो ऊपर ग्राउंड है घंडेल खेत, जहाँ हमने क्रिकेट मैच खेले थे, तो आज वो भी दिखाते हैं आपको। और गाइस ये देखिए, ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड सिपे खेत, और कई लोग इसे घंडेल खेत भी बोलते हैं, और बहुत सारी जगह इसे सासबोरी खेत भी कहा जाता है। तो देखिए, और चाची लोग यहाँ गाय भी लाई हैं, ये देखिए घसीर। तो देखिए बिल्कुल हरा भरा हो रखा है, आपको पूरे एरिया में इतना बड़ा ग्राउंड कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इसकी जो है, उस पर घास है, ये देखिए। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, लेकिन इसका दुर्भाग्य है कि यहाँ रोड की सुविधा नहीं है, वरना एक बढ़िया से क्रिकेट स्टेडियम बन सकता था इसके, देखिए आप, क्योंकि बहुत एरिया है। देखिए कितना अच्छा बुग्याल, और आजकल ये सफ़ेद सफ़ेद फूल हो रखे हैं छोटे छोटे। पहले टाइम पे क्या होता था, ये पूरा एक खेत था, तो सारे गांव के लोग यहाँ मिलके खेती करते थे, मतलब सबका था ये, तो मिलजुल के वो यहाँ पे हल वल लगाते थे और गेहूं धान बोते थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा गेहूं और धान होते थे, तो आप अंदाज़ा लगे कितना बड़ा ग्राउंड है। तो इसमें सारे गांव के बैल एक साथ हल लगाते थे और सारे लोग मिलजुल के काम करते थे। और बहुत सारी कहानियाँ भी हैं इसकी, जिसके नाम से है सिपाही खेत। तो कहा जाता है कि पुराने टाइम पर, या अंग्रेज़ों टाइम पर, यहाँ पर मतलब पूरा एक आर्मी का मतलब कुछ बटालियन रहा करती थी। और कई कहानियों में ये भी बोला गया है कि
जिसका दूसरा नाम सासवर खेत है। अगर मैं आपको अपने गांव का थोड़ा सा इतिहास बताऊं तो जैसे मेरे गांव का नाम मैंने आपको बताया कि पांथर है, वैसे जो राजस्व विभाग में है या जो पुराना नाम था हमारे गाँव का वो घंडियाल गाँव है। तो जैसे यहाँ बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिनका नाम घंडेल है, जैसे इस ग्राउंड का नाम भी घंडेल खेत है। ऊपर घंडेल खेत एक जगह है, मतलब जंगल का एरिया है। सबसे ऊपर एक खाल बनी हुई है, बड़ा सा तालाब है, तो उसे घंडियाल का खाल बोलते हैं। तो जो हमारे गांव का नाम है वो बेसिकली पुराना नाम घंडियाल गांव था। तो जैसे यहां पे एक चौकीदार हुआ करते थे हमारे, मतलब जो जंगल की रक्षा करता था, नरपति भाई थे हमारे वो। तो वो बेसिकली जैसे अपना इंट्रो देते थे किसी को भी तो वो यही बोलते थे कि मेरा नाम नरपति है और मैं हूँ घंडियाल गाँव का चौकीदार। तो हमारे गाँव का जो पुराना नाम है और शायद से जो राजस्व विभाग में इसका नाम है वो घंडियाल गाँव है। तो काफ़ी मतलब फेमस जगहें भी हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको अभी आपको दिखाया, ये इतना बड़ा मैदान इस एरिया में कहीं पे नहीं है। अभी मैं आपको जो खाल दिखाने वाला हूँ, तालाब, तो काफ़ी बड़ी तालाब है वो, और 15 किलोमीटर का ट्रैक भी है जो चौनकोट गड़ी में जाता है ऊपर, अमेली वाला ट्रैक है। बहुत सारी जगहें हैं ऐसी। तो आज मैं और अक्षिताएँ हैं जंगल ट्रैक पर, जंगल का सैर सपाटा हो रहा है और इतना बड़ा जंगल है कि एक पूरे दिन आपको लग जाएगा इसे घूमने में, या तो आप नहीं घूम पाएंगे, मतलब एक पूरे दिन में। काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी घना जंगल है, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि जैसे मैंने बताया था आपको कि इस बार मतलब जंगल में आग भयंकर वाली लगी थी, तो उसके कारण थोड़ा सा मतलब अस्त व्यस्त सा हो गया है। देखिए पूरे पेड़ जल रखे हैं, सामने देखिए कुछ मकान यहाँ पे भी हैं। तो पहले हमारे गाँव के कुछ लोग मतलब ऊपर रहते थे, ये देखिए तो उनके मकान हैं अब जो बिल्कुल खंडर हो गए हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और आपको जो घंडियाल खेत वाला एरिया है और घंडियाल की खाल वाला एरिया है वो भी दिखाते हैं। तो गाइस अब थोड़ी सी थकान लग गई है और गर्मी भी महसूस होने लगी है, तो हम अपने साथ पानी लाना भूल गए थे। तो हम ये देखिए नीचे जो पॉली हाउस मैंने आपको दिखाया है वहाँ से हम अंगूर लाए हैं अपने लिए, थोड़ी सी पानी की कमी इससे दूर हो जाएगी। यहाँ देखिए काफ़ी इनका साइज़ बढ़ गया है उस दिन के मुकाबले और मीठे होने लगे हैं। तो थोड़ी देर अंगूर खाते हैं और उसके बाद चलते हैं ऊपर। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद चलते हैं अपने सफ़र पे ऊपर। और अब जिस एरिया में हम आने वाले हैं उसको बोलते हैं हम अयर खेत। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं और अच्छी सी लोकेशन है, तो आपको देख के मज़ा आएगा। और गाइस ये देखिए कितना डेंस जंगल है, कितना घना है, मतलब कहीं पे रास्ता नहीं है, रास्ता खुद ही बनाना पड़ रहा है। देखिए ये बिल्कुल ब्लॉक हो गया है यहाँ पे। और ये हैं बांज और काफल के पेड़, ऊपर का एरिया देखिए आप, कुछ भी मैं नज़र नहीं आ रहा। और हमें अभी यहाँ जाना है, अक्षत के हाथ में देखिए ये है छूता और ये चीड़ के पेड़ का फल है, इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। ये लोकेशन देखिए आप, मतलब घने जंगल के बीच आपको ऐसे बढ़िया से तप्पड़ दमल मिल जाते हैं, तो बहुत ही मतलब एक शांति सी महसूस होती है इतनी हाइट पे। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे देखिए। और इस एरिया में आप चीड़ के पेड़ों का साइज़ देखिए, बहुत ही बड़े चीड़ के पेड़ हैं। तो ये इनका जो यूज होता है वो होता है तख्ते बनाने में और दरवाजे वगैरह बनाने में। तो ये देखिए मतलब हम गाय चराने के आते थे और इस जगह पे बैठ जाते थे, और अभी वहाँ बहुत ऊपर भी जाना है हमें। तो ये देखिए मेरी टी शर्ट के हाल बहुत बुरे हो चुके हैं, जैसा कि जंगल में आग लगी है तो उसके कारण देखिए पूरी टी शर्ट क्या है। अक्षित व्हाइट कलर की टी शर्ट आया था और जंगल में आग लगी हुई है जिसके कारण उस पर पूरा काला लग गया। कहाँ जाना भाई? जो आपको दीवार दिख रही है ये है सुरक्षा दीवार। तो इस साइड को संरक्षित एरिया है, मतलब गांव का बगीचा है ये, तो कुछ ही टाइम के लिए खुलता था और इस टाइम पे इस साइड जो है ये ओपन रहता था, मतलब हमेशा आप यहाँ अपने गाय पशु डाल सकते हैं चरने के लिए। यहाँ बाघ की दहशत हमेशा रहती है। तो अक्षित सीटी वीटी बजा के जा रहा है ताकि थोड़ा सा शोरगुल बना रहे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घंडियाल की खाल। तो इस जगह को बोलते हैं घंडियाल की खाल। ये देखिए कितना बड़ा तालाब है। तो बरसात के टाइम पे ये मतलब पानी से बिल्कुल लबालब पूरा भर जाता है। देखिए कितना बड़ा एरिया है, और अभी एक आध बारिश हुई तो उसका पानी भी थोड़ा सा स्टोर हुआ है इसमें। और इससे जो फ़ायदा मिला था, जो नीचे हमारे गाँव में हमारी पानी की टंकी है उसमें इससे पानी बढ़ गया था जो दूसरे खाल में है। तो देखिए ये पूरा घंडियाल की खाल कहते हैं इस जगह को।
तो पूरा बरसात का पानी यहाँ रुकता है, जिसके कारण हमारे नीचे जो हमारे स्रोत हैं, जल स्रोत, वो रिचार्ज हो जाते हैं। और गाइस यहाँ से चौबट्टा खाल बिल्कुल पास है, मतलब हम पहुँच ही गए हैं चौबट्टा खाल में। ये देखिए थोड़ा सा आगे जाके नीचे चौबट्टा खाल का एरिया शुरू हो जाता है। और ये देखिए ये पानी की कूल पेटा रखी हैं, तो वहाँ जो भी बारिश का पानी आता होगा स्कूल के रास्ते सीधा इस तालाब में चला जाता है। बहुत हाइट पे आ गए हैं, सामने देखिए डिग्री कॉलेज चौबट्टा खाल और चौबट्टा खाल मार्केट, ये देखिए, और वहाँ नीचे है लड़बियो गांव। और अगर इस साइड घूमें हम तो ये है दांथा और दांथा धार, ये देखिए। तो थोड़ा सा धुंध और कोहरा लगा हुआ है, उसके कारण विजिबिलिटी उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन काफ़ी हाइट में आ गए हम। सामने वो जो गांव दिख रहा है आपको, वो है लडबियो गांव, तो वो है हमारे रोमी भाई का गांव, ये देखिए। तो थोड़ा सा धुंध है जिसके कारण साफ नहीं नज़र आ रहा। ये रहा हमारा गांव पांथर, और सामने रही स्कूल दुंद्रा कोटी सीला गांव की, और पास में रहा धरासू गांव, और ये रहा चुरिंड गांव, और उसके पीछे दिख रहा जो आपको वो है रणसुआ। तो यहाँ से देखिए इतनी हाइट पर आ गए हम, चारों तरफ के नज़ारे आपको दिखाई देते हैं। और जैसे उस साइड दिखाया था मैंने आपको लड़बियो चौबट्टा खाल, ये है बैल का सींग, तो ये ऊपर का उसका मतलब जो खोखा खोखला सा हिस्सा होता है वो निकल गया होगा लड़ाई करते टाइम बाहर। यहाँ से देखिए ये रहा नौंखाल मार्केट, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है नौंखाल मार्केट, और कितना मतलब आबादी वाला लग रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे पेड़ हैं, और इस कारण वहाँ नज़र मतलब इतना साफ साफ नज़र नहीं आ रहा। तो देखिए सबसे पहले ये रहा हमारा इंटर कॉलेज नौगांव खाल, सामने जो हरा टीन सेड है वो है ज्वालपा सेल, उसके आगे जो लाल टीन सेड वाला आपको दिख रहा है वो है धनेश चाचा जी, रामकृष्ण चाचा जी की दुकान, तो वो वेडिंग पॉइंट टाइप है। और उसके बीच में वो सारा जो ऊपर वाला अड्डा है, ये जहाँ पे मेरी उंगली जा रही है, फिर नीचे देखिए अर्धनारेश्वर वाला मंदिर है शिवालय, और उसके नीचे नीचे वाला अड्डा, और सबसे नीचे जो आपको ये दिख रहा है ये है जो पीली बिल्डिंग दिख रही है वो है हमारा हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल, और उसके आगे आपको दिख रहा है जंडा देवी, और इस साइड बहुत सारे गांव हैं बाकी बड़े, चमेली गजीरा। तो ये देखिए ये सामने रहा नौखाल मार्केट। इतनी हाइट पे आ गए हैं कि यहाँ से आपको चारों तरफ के नज़ारे मतलब दिखाई देते हैं। इधर आपको अभी मैंने चौबट्टा खाल दिखाया, लडबियो गांव दिखाया, सामने ये रहा नौखाल मार्केट, उस साइड धरासू गाँव दिखाया, सामने चुरिन रणसुआ हमारा गाँव। तो मतलब काफ़ी हाइट पर आ गए हैं, और ये एक व्यू पॉइंट है, सबसे ऊँचा स्थान है पूरे एरिया का। तो ये सबसे मतलब ऊंची लोकेशन पे आए हम, घंडियाल गांव की धार, या घंडियाल धारी से बोल सकते हैं आप। गाइस ये देखिए अक्षित को मस्ती सूजी है, तो ये बहुत सारे पेड़ टूटे हुए हैं, तो उसका पुल बना के इधर आ रहा है, देखिए। तो बहुत सारे चीड़ के पेड़ टूट रखे हैं यहाँ पे, और कुछ चीड़ के पेड़ लोगों ने अपने मतलब ज़रूरतों के लिए काटे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े और बूढ़े हो गए। ये सामने वाला पेड़ देखिए आप कितना मोटा हो गया है। और वहाँ आगे हैं गांव के लड़के, वो गाय में आ रखे हैं। और गाइस ये देखिए ये पूरा इस बार की आग के बाद तबाह हुआ है, देखिए। तो गाइस ऊपर जंगल घूम के हम नीचे आ गए हैं, और थोड़ी सी प्यास लग गई है, तो यहाँ पे पीते हैं पानी। तो गाइस आ गए हम जंगल शहर से, और आई होप आप भी वीडियो को एंजॉय करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरे चैनल की अपडेट मिलती रहे।